साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन को लेकर कांग्रेस पहले ही विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के इस कदम ने विपक्ष की बेचैनी को और हवा देने के साथ ही कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। दरअसल पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के प्रति तारीफों के पुल बांधे हैं। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ट्वीट के माध्यम से राहुल की जमकर तारीफ की। ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतिहास राहुल गांधी को मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े रहने के लिए हमेशा याद रखेगा। महबूबा ने केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई यही है कि नया भारत चुनिंदा पूंजीपतियों की गिरफ्त में है। इंटरनेट मीडिया ट्विटर पर महबूबा ने ट्वीट किया कि देश भले ही राहुल गांधी का जितना मर्जी मजाक उड़ा ले, लेकिन सही मायनों में यही सच्चाई है कि राहुल गांधी देश में ऐसे इकलौते राजनेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इतिहास उन्हें वर्तमान तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए याद रखेगा। महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी पालतू एनआईए को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही विभिन्न किसान यूनियन के पीछे लगा दिया है। उन्होंने एनआईए को पालतू एजेंसी करार देते हुए ट्वीट किया, देश की शीर्ष जांच एजेंसी के डोंग को कश्मीरियों, किसानों और असहमति रखने वालों को फंसाने के उसके तरीके से समझा जा सकता है। ऐसे में अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि महबूबा के इस कदम पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।